अले राजा बाबू आ रहे हैं। अले 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 राजा भैया सामने से गाड़ी आ रही है, कभी हमारे अंदर ही ना ठोकते। अले 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 गाड़ी चलानी ना आती मैडम, तो क्यों लेके लेकड़ा करे गाड़ी न करता है। जब तेरा कुछ हो जाता तो ऊपर वाले ने के जवाब देते हम। क्या मतलब? अरे डमरू। हाँ समझा ना मैडम ने। मैडम मेरे भाई लादा का कहर का मतलब यो छे, इतनी सुतली छोरी अदल ऐसी रात में तू मर जाती, हम तेरे गलत्या ने कितना लाके देते। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो मरे मेरे दुश्मन, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? चेहरे पर गुस्सा, होठों पर लाली, झील सी आंखें, जुल्फे हैं काली, अब तुम ही तो बनोगी जाने मन मेरे सपनों की रानी। मैं तुम पूछे में क्या दिक्कत है, फिलहाल तक तू मेरे भाई लाज जाती, चपनाती लाज तुम्हारी से। ये क्या बदतमीजी है, अकेली लड़की को देख के फायदा उठाने की सोचते हो? अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना तुम्हारी इस फटफटिया और तुम्हें, तुम दोनों को उठा के नाले में फेंकवा देंगे। अरे डमरू या तो बड़ी तीखी मिर्ची है यार। तीखी मिर्ची का मोमोज के साथ खाने का मजा ही अलग है। अच्छा रे न्यू बात सहता है। सुनो डमरू, देख मैं इसने बरंडे के पेड़ पर चढ़ाऊ हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम, आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। और आपकी स्माइल भी बिल्कुल मस्त लग रही है। थैंक यू। और आप इस ड्रेस में बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रहे हो। थैंक यू भैया। लेकिन कमाल है, इतना खर्चा करने के बावजूद भी भूतनी दिख रही हो। समझती नहीं है बात, तो बनने चली हीरोइन। ओए चड्डी तमीज से बात कर, वरना जो तेरा नाड़ा लटक रहा है ना इसको निकाल के तेरे गले में लपेट दूंगी। कंट्रोल डमरू कंट्रोल, जी देखोड़े बजन लग जाशे। वैसे मैडम तेरी इस गाड़ी में क्या हो गया जो तू इसने हंडोले के डाला लेकर आने लग रही थी? अरे मेरी गाड़ी के ब्रेक में कुछ दिक्कत आ गई। प्रॉब्लम तो सोल्व कर देंगे। तुम लोग मुझे ऐसे ही अपनी बातों में घुमाते रहोगे या मेरी कुछ मदद भी करोगे? मैडम के बात करो हो, तेरी गाड़ी ने इब ठीक कर दिया। हाँ भाई यो तो मेरे भाई आता तेल है, इब तले इस्ते बरे ठीक। अरे डमरू मैडम के नहीं गाड़ी के। अथाता हाँ बढ़ जा नीचे। इब तरी हाँ अभी तलता हूँ इस्ता ओपलेचन। नजरा कहाँ तने तीर चला के मेरे जिगर के पार करया, मिठा मिठा बोल के पापन छोरा तने यो मार गया। इतने तो तालो प्लेट फैल हो दे। शिट अब मैं घर कैसे जाऊंगी? या तो गैलेज में ले जानी पले दी। आप पहेलियां बहुत बुझाते हो, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो ना। अरे घर की के बात करो हो मैडम, कब है तने अपने घर ले चलू? नहीं नहीं मुझे मेरे घर पे ही जाना है। तो बैठ फिर मेरी लुन्ना पे। डमरू इसको गैरेज में पहुंचा जल्दी फटाफट। अरे
क्यों चक्कर काटने लाग रहा है? चक्कर था माँ, तेरे लाडले पोते ने कटवा रखे हैं। ईसा के कर दिया मेरे पोते ने? के कर दिया? तन्ने वो बिगाड़ कर तगाड़ दिया। उस तेन कही थी खेत में पानी दिया, ये गेहूं पीले होने लाग रहे। पानी लाने खातर कितने नौकर चा कर रहे, वो पानी लाओगा है? जब नौकर आप अभी तक को काम करवाओगा, क्या नौकर अपने आप काम कर लेंगे? तन्ने वो बिगाड़ कर दर दिया माँ। हाँ मन ने बिगाड़ रखा है, मने तो तू भी बिगाड़ रखा है। पाछा ला गया रे छोरे के। उसने कह मैं काम धंधा भी कर लेने दे माँ, हंडे जाओ टोरा फोरी में। मेरे पोते तो कुछ नहीं कह देगा, जा कर ले अपना काम। काटे है अरे चक्कर। ओ देसी देसी लुक में भी लागे मर जाना कति बॉलीवुड फिल्म स्टार वरगा। ओ देसी देसी लुक में भी लागे मर जाना कति बॉलीवुड। लादा भैया लो तो लो को लो तो। रे तन्ने के दी गया? दे चल चम में झोटा पल रहा। अरे डमरू। हाँ जोटा कौन है? तो किसी की भैंस खुला रही है। अट्टा। हाँ अरे ये कहाँ से आ गए? अब क्या बहाना बनाऊं, पैर में दर्द हो गया। आह अरे चाल या तो सारी सरसम ने उजाड़ देगी। ताल ताल चाल। ओ देसी देसी लुक में भी लागे मर जाना कति बॉलीवुड फिल्म स्टार वरगा। ओ देसी देसी लुक में भी लागे मर जाना कति बॉलीवुड फिल्म स्टार वरगा। दीदी ये कहीं इनका खेत तो नहीं है? हाँ इनका, ये तो मारा है, इनके में दवा बढ़ रही। पैर में मोच आ गई, अब क्या करूं? हाय मैं मर गई, मेरा पैर मुड़ गया। रिस्क क्यों हो गया? अरे मेरा तो पैर मुड़ गया। ओए होए भाभी पैर मुड़ गया? हाँ तेरे पैर ने तो मैं ठीक कर दूंगा, पर यार सरसम क्यों तोड़ लाग रहे थे? अरे देवर जी आपको सरसों की पड़ी है, यहाँ मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मेरे पैर का कुछ करो ना। आजा तू आड़ा बैठ, तेरे पान हते में ही ठीक कर दू हूँ। बैठ जा आड़ा, बैठ जा। तेरा किचिक मोच आ रही है बता? यहाँ। यहाँ दर्द है? हाँ। तू क्या आड़ा बड़का भरेगा? कुछ ना मोच देखू था। मोच देखा था? मोच का मैं ऊपर धरी है। अरे रुक जा, मेरे पैर में दर्द है, डिस्टर्ब मत कर। रोवे मत ना, रोवे क्यों है? अरे मुझे दर्द हो रहा है। तेरा दर्द ईव कम कर रहा है, डट जा तू। किचिक दर्द है नू बता। हाँ यहाँ। यार ओहो यो तो सूझ रहा है भाई। आए दिन धोले रे डाका डाले दिल की सहयो चोरनी, सन्नी काके दोष बता लगे सावन किया मोरनी। राजा तू अभी की मोच थोड़ा का पाप होता है, आराम से बैठ जा ना। थोड़ा मोच जीव का पिंडिया का चला ला, स्वाद लेने लग रहा है इसके। अरे रुक जाओ, पहले आप लड़ लो, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। राजा तू यो तेतर ला तरास है। अरे कुछ ना करता मैं तो मोच तोड़ू था डमरू, तू भी ये था दाता अम्मन ने भी थोप दे बेले याले। हाँ, आजा तू ले ले स्वाद, मेरी मोच कोई सा ना तोड़ियो। अले भाभी ने तो मैं तल दूंगा थीत। अरे तू पल आप तो ठीक होले, तू भाभी ने करेगा ठीक, भाभी ने तो मैं आप देख लूंगा। भाभी आराम। हाँ। लग गया के ना कम है? हाँ, पहले से ठीक है। ले अरे तोड़ोगे क्या? कोई मर गई इसका क्या हो गया? अले लादा मेरे पेट में दर्द उठ गया। अरे खड़ू भाभी तो ठीक होगी, और ऊ का दर्द चालू हो गए। इतना चोल दे मने पतर ले राजा। आइला मलता ले पकड़ ले इसने चाल। देखिए देखिए इन ठाई ने भाई गाड़े बेजा ना अरे ठाले इसने भाई बीमारी ने। आइला क्यों हो गया तेरे चल रे इसने बच्चा बच्चा वार्ड में गिरा हुआ। रेब के जान काटेगा तेरा सुरमा काला काला, आए रखती जान काटेगा तेरा सुरमा काला काला।
डाले दिल की सहयो चोरनी सन्नी काके दोष बता लगे सावन किया मोरनी सन्नी काके दोष बता लगे सावन किया मोरनी हाँ नजर न लागे मर जानी के ठोटी पे दिल काला डीजे रूपेंद्र म्यूजिक राम राम भाई साहब। अरे राम राम राजेश्वर भाई, आपने अड़ान की तकलीफ क्यों करी? बोल देते मैं घर आए ना आ जाता। अरे राजेश्वर न्यू सोची बाघ ने चाल के बाघ ने संभालिए और ताजी बेर खाइए और तन्ने ते बेरा भाई मन ने कड़ा टाइम से ई पंचायता काम मोड़ जा रहा हूँ। राजेश बेटा, ताऊ जी ने वो बेरा की पेमेंट दो ने। हाँ हाँ, अरे मन ने तर तक पेमेंट मांगी है। अरे नहीं भाई साहब, जरूरी है हिसाब बाप बेटे का। ताऊ जी ये लो, ईव की बार 50,000 की वसूली हुई है। अच्छा, वो है ना, ईव की बार बारिश ना होने के कारण बेरा में कीड़ा लग गया था। वो कीड़े तुम ही तो। अरे के सोचे है, जा बढ़िया बढ़िया बेरा की टोकरी भर के ताऊ जी की गाड़ी में धर दे। ठीक है जी। गणेश इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ ताऊ जी। एक काम करो। हाँ ताऊ जी। ये कुछ पैसे आप रखो। नहीं ताऊ जी, आप ही रखो। बेटा ये तेरा काम आ जाएंगे। ठीक है, जाओ ताऊ जी, अपने पास ही रखो। कोई बात ना, जाओ। अच्छा था भाई, मैं चल लू हूँ, संभाल लियो अपना काम। वो गांव में पंचायत से मानस इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है भाई साहब। अच्छा अरे गणेश। हाँ जी। तू ये बेर ब्यार खा के पेट भर लिए, पीछे दे उन्हें। ले जी। अरे तने भाई साहब तो सारे पीछे दे दिए बेटा। मेरा नाम बल्लू बलराम से। बेटा किसका है तू? हाँ बाबू, ये देख क्या बात है, 50,000 बचा रखे से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, ताऊ जी के साथ में ये सारा पैसा शराब जुए में उड़ा रहे हो। साबे हाँ। बनाऊ तो ना मुंशी, जाके काम कर ले अपना। तू मेरा शेर बेटा है, बात पते की लाख टके की। सितार वर्गा ओ देसी देसी लुक में भी लागे मर जाना करती बॉलीवुड फिल्म। सितार वर्गा राजा दुमाला से खेलते हैं। चल फिर यह पट्टी मेरे बंद हो। ठीक है भाभी। भाभी ये पट्टी लादा भैया थी, हाथों पे बांधो बांधो भाभी बांधो, ताइते बांधना भैया। ये ततमा भाभी तो दे दो, लगा लो भाभी। रेडी तुलू तले। रेडी 1 2 3। तू कहां से आ गया, सारा मूड खराब कर दिया।
ये क्या बदतमीजी है, तूने कभी लड़की नहीं देखी? देखी पर इस वर्गी ना देखी। दूर रहना नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ पहले ही मैं। अगर मेरे देवर को पता चल गया ना, तुम लोगों की हड्डी पसलियाँ एक कर देगा। कौन है इसका देवर एंड बैंड? अरे जाओ राजा बाबू, बता दे इसने भाई का इस एरिया में कितना सिक्का चल रहा है। देखो ना देवर जी, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी कर रहा है? हाँ। अरे साले, मेरी भाभी तो छेलता है। मारे घर में आयोड में मान की गेलिया, साले बदतमीजी कर रहे थे। देखा जानवी, मेरे देवर का कमाल। क्यों देवर जी? बमती की तम लाजा बाबू, तल दया तो ही जादू, ना लहा दिल पे ताबू, क्या तल दई हथी ना। राजा बेटा उरे ना। हाँ दादी माँ। अरे इतना वक्त उठन लग गया, कौन सा जिम ज्वाइन कर लिया? दादी माँ दादी माँ, हम तो मंदिर में गए थे। अच्छा। हाँ। कौन सी देवी के दर्शन कर आए? देवी बहुत अच्छी देवी थी वो, और बहुत सुंदर। बड़ी प्रताप वाली दिखे है। अरे मेरी प्यारी दादी, उसके प्रताप की तब जमत। अच्छा। हाँ। तेरी देवी दिखण में किसी है? अरे मेरी दादी माँ सुंदर, सुशील, कोमल, और जब वो बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बागों में कोयल बोल रही है। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं लादा भाई, वो देवी बोलती नहीं। या देवी तो बोले भी है और सुने भी है। अरे मेरी दादी माँ, पिताजी तो कह के इस छोरी ते मेरा ब्याह करवा देना। ठीक है राजा बेटा, कल मैं तेरे पिताजी को उसके घर भेजूंगी रिश्ते के लिए। सच में? हाँ राजा बेटा। अरे मेरी प्यारी दादी। राजा बेटा तई छोटे गाग ना सारा इन खागा। अरे यार, अगर पिताजी ने शादी के लिए हाँ नहीं करी तो के होगा? मैं हूं ना साले, तेरे तो शादी करूंगा मैं। अले मेला मतलब है, जब तक तमलू जिंदा है तुम्हें चिंता करने थी तो जरूरत नहीं। मैं बाबूजी से अपने आप बात कर लूंगा। कर कहने दीदार रे तेरे नाम की जप लूं माला, रेब के जान काटेगा तेरा सुरमा काला काला, आए रे कच्ची जान काटेगा तेरा सुरमा काला काला। आए दिन धोले डका डाले दिल की सहयो चोरनी, सन्नी का के दोष बता लगे सावन किया मोरनी, सन्नी का के दोष बता लगे सावन किया मोरनी। हाँ नजर न लागे मर जानी के ठोटी पे दिल काला। डीजे रूपेंद्र म्यूजिक। सामने तो कोई भी नहीं है। लादा भैया, लादा भैया कहाँ थो दे? अरे यार सामने तेरी भाभी आई हुई थी यार। सामने तो कोई भी नहीं है। शिट यार, मुझे लगता है राजा बाबू तो प्याल हो दया है। डमरू आदव आदव, भाभी दी आप मेरी छतली पतल लो, मैं आपका बैद उठा लूंगा। थी तो भाभी जी। अरे डमरू अभी ये भाभी जी थोड़ी ना बनी है। ओल? अभी इनको भाभी जी बनने में टाइम है। यहाँ से वहाँ जाएंगे, बैंड बाजों के साथ जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, फिर इसको भाभी बना के लाएंगे। अत्ता ये बात है।
अच्छा जानवी, तुम्हें हमारा राजा कैसा लगा? राजा ठीक है भाभी, अच्छा लगा मुझे। अभी भी बता दो, टाइम है, वरना मैं उसके लिए अपनी कोई छोटी बहन ले आऊंगी। ना पसंद है तो बता दो, वरना कल के बाद कुछ नहीं होगा। मुझे राजा बहुत पसंद है। अच्छा तो ठीक है, राजा पसंद है ना तो लाडो, कल आ रहे हैं हम घर पे और हम तुझे कल रोक के आएंगे। डमरू गाड़ी में इसको ठीक से बिठा के आना, ठीक है? ठीक है भाभी जी। ओके गुड। ओके जानवी, ख्याल रखना अपना, बाय। तलो 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 बैतो, ये लो अपना बैद, मैं भी साथ चलता हूँ। अरे जगो ही तो, कित बैठ रहे, ताला पड़ ले। नहीं मैं भी भाभी ते ताज जाऊंगा। अरे इन्हें मैं सुना छोड़िया हूँ, फिर बरात लेके चलेंगे। बैठ ले तेरा ससुरा बहू की भाई की तरिया। ठीक है ओते, बाय बाय भाभी। राम राम जी। और जी ठीक हो? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अरे वो तो दिल्ली है, आपने पता है ट्रैफिक तो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राम राम दी। राम राम भाई, राम राम। मैंने तुझे बोला था ना, तुझे मैं अपने घर लेके जाऊंगी। भाभी जी लाम लाम। नहीं 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 नहीं, डमरू तुमसे छोटी है ये। भाभी है ना, माते तमान होती है, और अब तो ये हमारे दलती लक्ष्मी बनने वाली है। बिल्कुल। अच्छा भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? अच्छी सी चाय बना के लाना। ठीक है बेटा, चाय यहाँ रख दे। भाई साहब चाय ले लो। चाय तो ले लेंगे, कोई बात ना, छोरी हमने पसंद है। और आप जल्दी से ब्याह की तैयारी करो बसीब। धन भाग चौधरी साहब, जो मेरी बेटी पसंद आएगी आपने, पर एक बात बुझू मैं आपते, कोई आपकी डिमांड हो, कोई छोरे की डिमांड हो। देखो जी डिमांड के वो थी, आपने छोरी दे दी वो ही बहुत बड़ी बात है, और मारे खाते तो लक्ष्मी का रूप है। हमने किसी चीज की डिमांड नहीं, मारे घर भगवान की दात है, सब क्या है की मौज है। चौधरी साहब मैंने खान पीन का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, जितने आपके यारे पैरे हों, जितने आपके रिश्तेदार हों, सब ने लेकर आना जी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरे गाजे भाजे के साथ आवांगे, पूरी बरात लेकर न, मारे बेटे राजा का ब्याह है। चलो थोड़ा जल्दी सी ब्याह की तैयारी करवाओ जीब। बिल्कुल जी बिल्कुल। इजाजत दो चलने ना की। बाबूजी खाना वाना तैयार है, खाना खा के जाना। देखो खाना तो ब्याह में खाएंगे इब। अच्छा जानवी चलते हैं अब, हम जल्दी बारात लेके आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है ख्याल रखना अपना। तो तैयार हो तुम दोनों? भाभी जी भाभी जी, आपको ट्रैक्टर चलाना आता है? आता तो नहीं है लेकिन आज ट्राई करते हैं। देखिए हमने कदे किते ठोके पाओ रहा मैं। अच्छा डमरू ये बताओ तुम्हारे राजा बाबू करते क्या हैं? भाभी जी मेरे राजा बाबू है ना, इस गांव ते बहुत पले जमींदार हैं, और उनके पास में बहुत चला पैसा है। अच्छा हाँ, और तुम्हारे राजा बाबू पढ़े कितने? वो सुबह चतूल में 8 बजे गए थे और 12 बजे वापिस आ गए, बस इतना ही पढ़े हैं। मतलब यू सब 5वीं में 5 बार फैलर कती गुंठा टेक है। क्या
अरे जानवी, इतना परेशान क्यों हो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो बाबा? मैंने इतने अनपढ़ गवार के साथ शादी करने के लिए थोड़ी ना इतनी पढ़ाई की है। वैसे एक बात बताऊं जानवी, राजा बहुत अच्छा लड़का है, उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और गांव में बहुत चर्चे हैं उसके। अरे तू पागल है, इधर आ, मैं समझाती हूँ तुझे, मेरा देवर तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे ये सारी न जड़ा होगा। अरे बेटा, तू ये सिगरेट क्यों पिया करे, या तेरे भीतरले ने जला देगी। बाबू, या सिगरेट के फूकेगी मने, फूकते मने वो राजा रहा है, एक छोरी पर दे लाधा तेरे बेटे का, और वो राजा उस पे गिद की त्रिया मंडरा रहा से। शांति कर बेटा, शांति। हम भी पुराने टाइम के खिलाड़ी हैं, जे एक तीर में कबूतर की तरिया फड़फड़ा कर तले नहीं पड़ा, तो मेरा नाम भी चौधरी राजेश्वर नहीं। बाबू, जाओ छोरी ते मेरी शादी ना हुई ना, तो मैं इस पूरे गांव में आग लगा दूंगा। अरे राजेश बेटा, तू ठंडा करके खा। बाबू, जैता मुन्ना गोद ले लेता ना, तो आज उसकी सारी प्रॉपर्टी पे मेरा राज होता, मेरा। और आज राजा की जगह है ना, तेरा बेटा राज कर रहा होता, तेरा बेटा। हाँ बेटा हाँ, जब की सीधी आंगली ते नहीं लकड़ता ना, हमने आंगली टेढ़ी करनी भी आवे है, और इस खातर जब हमने किसी की जान भी लेनी पड़े ना, ले लेंगे। ईब देख, तू तेरे बाबू का खेल। सॉरी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की देख लो। बेटा, ये तू के कहन लाग रही है, तू बावली तो ना होगी है, सारी ब्याह की तैयारी चल रही, काल बरात चढ़नी है। क्या तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम्हारा लड़का अनपढ़ है और मुझे ऐसे अनपढ़ और गवार इंसान के साथ शादी नहीं करनी? राजा बाबू के बारे में, गवार है मेरा राजा बाबू,
बुद्धि वाले का तो आगे ना थारे घर के जब ना पाओ मेरे राजा बाबू जी सा लड़का। और यो तो तेरे को दिल दे दिया मेरे राजा बाबू ने, नी लड़कियों की लाइन लगा देती। नहीं चाहिए हमें ऐसा रिश्ता। बकवास करे बदतमीज लड़की, बिल्कुल भी अकल नहीं है तेरे अंदर। ये तू क्या कर खाई है छोरी, किस्मत से रिश्ते में लग रहे हैं। पर पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती यहाँ से उसके रहन सहन ने देख के तू उसने अनपढ़ समझ बैठी। ये मेरी बावड़ी बेटी, बड़े आदमी आगे बड़े शोक होया करे। और न्यू के मैं तेरा रिश्ता कर दूंगा, मन्ने भी सारी जांच पड़ताल कर रखी से। पर पापा, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे ऐसे अनपढ़ों की तरह रहने की क्या जरूरत है। पर बेटी सुन तो सरी, जिस इंसान से मुझे शादी नहीं करनी उसके बारे में सुनना ही क्या। आजकल के बड़का का के होगा, और मैं प्रधान ने के जवाब दूंगा। जागे भाई, क्या हालत बना ली आपने अपनी, दिन पर दिन कति माड़े होते जान लाग रहे हो। राजा की घनी टेंशन ले ली भाई साहब, ते दिन पर दिन कति डोन होन लाग रहे हैं। बाबू, वा दो कोड़ी की लड़की भरे पंडाल में इज्जत उछाल कर चली गई, और एक वो मिस्टर राजा उसने अपने घर की बहू बनाना चाहे है। गंदी कोक का वारिस हमेशा गंदा होता है। जागे भाई, इस तो बढ़िया था मारे बल्लू ने गोद ले लेते, ये दिन तो ना देखने पड़े हैं। अरे गणेश। हाँ जी। जब तक ताऊ की तबीयत ठीक ना हो ना। हाँ। ताऊ का पूरा ख्याल रखिए। ठीक सर जी। अच्छा भाई साहब, हम चले मंडी कहना, जाके अमरूदा की पेमेंट लेकर आनी है, और आप अपना ध्यान रखियो डॉक्टर साहब। हाँ सर। भाई साहब की तबीयत जल्दी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी जी। क्यों बेटे, बात पते की लाख टके की। चल तेरे पाजी अपने हाथ में है। परेशी ने झाड़ लेने मारे ऊपर चाड़ेगा मोटे दिमाग का। देखिए रे, ये है के। हाँ बाबू। गणेश, खाट ठा ले बेटा। अच्छा जी, इब लाया। इतनी मोटी सामी ना आते चुकर जान दूं, तू तेरे बाबू ने घाटला रह के यो रिश्ता राजा का नहीं तेरा होगा।
राम राम। आओ जी, जी आओ, बहुत बाट दिखा दी। सारे पक्के लालची हैं। भाई साहब आपने भी रहता है दिल्ली के ट्रैफिक का? बहुत भीड़ भाड़ थी, मुश्किल से लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात ना। आओ आओ बेटा। गणेश कितने गया? और सब गुण बारा जी? हाँ हाँ सब राजी। बैठो जी बैठो। और सुनाओ सब ठीक ठाक? अरे यो किन ठहरेगा, जाके चाह बनवा लिया। और सुनाओ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? काम धंधे की तो सुन लो, छोरे के 500 एकड़ धरती रोहतक मेन हाईवे पर बाटा आवे है। 4 ट्रैक्टर 3 गाड़ी और बाइक तो रोज चेंज करता रहे है। थारी छोरी राज करेगी राज। 10 नौकर बाग में, 10 नौकर घर में, उसने कुछ करने की जरूरत नहीं। और छोरा पढ़ाई लिखाई में पोस्ट ग्रेजुएट है और गांव गवांड में बहुत इज्जत है मारी। इज्जत भी है? बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, इज्जत तो चाहिए। बाबू अपनी अपनी बताई जगह के कमीन की भी बूझ ली। हाँ जी साहब, ई बाप बताओ बिटिया के कुछ कर रही है? बिटिया बिटिया सरकारी टीचर लाग रही है और मेरे पास जो भी जमीन जायदाद है सब उससे का ना है। मतलब मैं क्या मैं समझानी? मतलब यो है जी, मने मेरी बेटी बेटा इतरिया पाली है, बेटा भी यो ऐसे मेरा, बेटी भी ऐसे मेरी, बस थोड़ी सी सिद्धिस है। इतनी जायदाद होता है हम सिद्धि के बावली का भी रास्ता ले लिया। अरे चा कित रहेगी? आ रही है जी। फिर यो रिश्ता पक्का समझू जी? हाँ जी, मेरी तरफ तो यो रिश्ता पक्का। अरे यो लो रुपया, ईब छोरा मारा। ठीक है जी, फिर मैं भी शादी का मुहूर्त जल्दी ही लकड़वाता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो। बाबू 1 रुपया मैं मान गया, कम से कम 500 का तो ले लेता। अरे बेकूफ, शगुन का तो रुपया ही होया करे। मने उसके बाप ते अपने बेटे बल्लू और छोरी का रिश्ता पक्का कराया है। हरीब में आपकी बेइज्जती का बदला अपने तरीक। ताऊ जी आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है राजा आपके पहली पत्नी के कोख से नहीं है, क्या ये बात सच है? ताऊ जी घर में कोई औरत रखी थी और राजा उसकी कोख से जन्म लिया हुआ है। क्या बकवास कर रही है? ये क्या सही समय है ये बात करने का? पता नहीं घर में क्या माहौल चल रहा है, पहले ही भाई साहब की तबीयत खराब है और बकवास करने लग रही है। घर में क्या माहौल हुआ है पता है? तबीयत देखी है? बकवास में बकवास करने की आदत पड़ी हुई है। हमारे यहाँ कोख का कोई मतलब नहीं होता, हमारे यहाँ खून मायने रखता है। ताऊ जी के लाख समझाने के बाद भी राजा उनकी बातों को नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं बाहर का खून अपना असर दिखा तो रहा है। अब इस बात को ताऊ जी झुठला तो नहीं सकते, खून तो बाहर का ही है। मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना बार बार, समय पता नहीं क्या करा दे इंसान से और तुम बकवास किए जा रही हो। हाँ तुम्हें तो मेरी हर बात बकवास ही लगती है, अब ताऊ जी कर भी क्या सकते हैं। भरे पंडाल में वो लड़की ताऊ जी की पगड़ी उछाल कर चली गई और हम वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, आखिर उस राजा ने उस बजारू को कासर दिखाई दिया। ताऊ जी, अरे भाई साहब, ताऊ जी को डॉक्टर साहब, साहब देखिए देखिए एक बार। भाई साहब घबराने की कोई बात नहीं, वैसे मैंने इनका इलाज चालू कर रखा है, वो घर में थोड़ा टेंशन का माहौल है, इनको टेंशन से दूर रखो।
अगर टेंशन का माहौल रखोगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। समझ में आ गई बात? डॉक्टर साहब ने क्या बोला अभी? हर बात में बदमिजी, इन उठान फोड़ कर ना गुलगुला है बना दूंगा। अबू जग जे, मामला गड़बड़ में आ रहा है। राजा मेरी बात तो सुनो, राजा राजा एक बार सुनो तो सही, राजा मेरी बात तो सुनो। के करना चाहो हिप तू? मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे बिना जी लोगे? नहीं। तो फिर मुझसे इतनी नाराजगी किस बात की राजा? फूलों के पालने में पाला हूँ मेरी दादी ने मैं। जब बचपन में मेरा छींकाजा थी ना, तब डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी वहाँ। और आज तन उसी दादी का भरी सब हमें बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया जानवी। और मन्ना सुना है तन अपना पापा मेरे चाचा के दौरे भेज गए, तेरी और बल्लू के रिश्ते की बात पक्की होगी। और वैसे भी तन तो एक जमींदार की गल्ला प्यार करा था, लेकिन आज मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, क्योंकि जो प्यार का दीपक तुमने मेरे दिल में जलाया है उसे अब कोई नहीं बुझा सकता। तूने मेरे पिताजी और दादी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। राजा बेटा क्यों टेंशन ले रहा है? तू कति टेंशन मत ले, अपने पोते ताई छोरियां की लाइन लगा दूंगी। माँ जी मुझे माफ कर दो, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी आए जीप क्या तुम्हारा डॉक्टर लेना है? जब तक तू भरे पंडाल में हमारी बेइज्जती करगी चल आ रहे। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दे इसने, इतनी बुंडी बेइज्जती करे पाछा चल। प्लीज माँ जी माफ कर दो मुझे माँ जी। राजा प्लीज समझाओ ना माँ जी को। आ जा बेटा गलती नहीं मान सकते हो यहाँ पे। आ गया रे तू? हाँ पिताजी। घर की को चिंता है तना? हंडे जा धक्के खामता। अगर मानस और मानस का बीज है ना तो उस छोरी ने भूल जिए। लेकिन पिताजी मैं और जानवी एक दूसरे से प्यार करे सा और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अरे जो लड़की रिश्ता बनने से पहला रिश्ते की कदर नहीं जानती तू उस छोरी से ब्याह करना चाहवे है? पिताजी अब उसने माफी भी मांग ली और वह अपने करे पर शर्मिंदा है। अगर तने वाय छोरी चाहिए है ते जा, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। राजा बेटा आ रे कित गया? देखूं लाग रहा होगा किंगे ने काम, बखत तो उठत ना करता। तैर के तड़क कित गया मेरा राजा बेटा, बेरा नाज तक किंगा इन लिकड़ गया। राजा राजा बेटा अरे कित गया तू आज तैर के तड़क? राजा बेटा दिखता है कोने किंगा इन्हें, मेरे तो बिना बताए कि जाया ना करता। राजा बेटा कित गया? राजा राजा बेटा क्या कर रहा है यू? अरे क्या कर रहा था तू? यू कर दी ना तने में पराई, मारे इतने नौकर चाकर रहे, फिर क्या जरूरत है तने यो काम करने की? बेटा अपना काम करने में क्या दिक्कत है दादी? यो काम तू अपने शौक तो करने लाग रहा है। दादी थारे लाड प्यार तो मैं इतना बिगड़ गया था, अरे बाबूजी की बात सुनकर मन ही सा लग गया कि मैंने खुद अपने पाया पे खड़ा हो जाना चाहिए। दादी ना बेटा मन्ना अच्छा नहीं लगता तू यो काम करता। बेटा
हम दोनों पुराने घर में रह लेंगे, पर तू यो काम छोड़ दे और तू मेरी गैल रहेगा। फिर तू मेरी सूखा मने छोड़ के तू कितने नहीं जागा। ना दादी, मैं तने छोड़ के कितने ना जाऊं, पर तू रोवा मत ना। मैं तने कितने नहीं जाऊं छोड़ के दादी, तेरे सिवा मेरा है कौन। दादी माँ, आप इतने बड़े दल में लेते थे, अब आप यहाँ पे तहते लोगे। बेटा, जिस हाँ वक्त पड़ जाना, आदमी ने उसाए काट लेना चाहिए। अरे तू इस पूरे घर की सफाई कर ले, हम आड़े रहेंगे। ठीक है दादी माँ, लो दादी माँ अपना सामान पत्रो, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है दादी माँ। हाँ जी, अकलिया लाऊं जी। बेटा गणेश। हाँ बाबूजी। उरे ना। अच्छा बाबूजी, अभी आया। हाँ जी। जा, भाई साहब ने खिचड़ी देगा। आज मामला कुछ गड़बड़ है, ये आदमी इतने अच्छे तो नहीं है। अरे घूर घूर के क्या देखा है, जा ताऊ जी ने खाना दिया। समझ में नहीं आई तेरे? वो तो मैं समझ गया बाबू जी, पर आज ताऊ जी पर इतनी मेहरबानी कैसे। साड़े बाबू जी तो जबान लड़ा रहा है, जितना काम किया है ना उतना कर। खड़ा हो ले लांडा लालेर। बाबूजी पत्ते ना हो तो बैठ जाओ। कमर लगा लो जी। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। और जोर से। दोतलताब दना पलेचान मतलो मिले बाबूजी ने। बाबूजी सब कुछ ठीक हो जाता, मैं तलूं ना तेरी सेवा। भगवान पर भरोसा ला। चिंता मत करो जी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तने चिंता करो रे तो बीमार हो जाओ दे और भी। ताऊजी ताऊजी ताऊजी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता ताऊजी। मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ ताऊजी। गणेश। हाँ ताऊजी। तेरी दादी किस है? ताऊजी दादी घर में है। क्या करूँगा ताऊजी? न जाके कह दे। हाँ ताऊजी। वे चुपचाप इस घर में आ जावे। हाँ ताऊजी। ना तो अच्छा नहीं होगा बेटा। अरे नहीं भाई साहब, वे तो इस घर में आन खातर कति भी तैयार नहीं। हाँ ताऊ जी, उन्हें तो साफ कह दिया, हम जावांगे तो तीनों जावांगे, ना तो मारे में तो एकला कोई नहीं जावेगा। भाई साहब, उन्हें तो अपना फैसला सुना दिया। तो जा, जाकर उसने कह दे, जावो उस थोरी ने नहीं छोड़ेगा ना, तो इस घर में और इस जायदाद में उसका कोई ऐसा नहीं। और मेरी जिंदगी में उनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। क्यों बेटे, वही ना बात पते की लाख टके की। अरे तेरी माँ मर गई के, रोन लाग रहा तू, चल दे। अरे राजा बेटा,
न्यू क्यों करुदास खड़ा है बाबू? राजा राजा कोने आई बे, यो रंग कोलिया। अरे के बात कर रहा है, भाई साहब ने जायदाद तय बे दखल करया है, को दिल ते तो नहीं काट्या। चिंता ना कर राजा बेटा, मने भाई साहब कत्ती समझा दिए हैं। फिर चाचा के बोले पिताजी? अरे बोलना के था, फिर वाय बात नू बोले ताऊ जी, जब तक राजा उस छोरी ने इज्जत के साथ उसके घरानी छोड़का होगा, जब ताई उन दोनों में ते एक ने भी अपनी चौखट पर पाना धरन दू। पर काका, मेरे खातर वा अपना घर बार भी छोड़ाई, इब मैं उसने नहीं छोड़ सकता। अरे राजा बेटा, छोड़न की कौन कह रहा है? भाई साहब ने तो न्यू कही है, अक उस छोरी ने इज्जत के साथ उसके घरा छोड़ा हो, फिर हम उसने ब्याह के लियाओगे कती गाजे बाजे ते। अच्छा हाँ, बताओ डॉक्टर साहब। हाँ राजा, ठीक है रसा तेरे चाचा। सच्ची काका, फिर तमाज या बात बाबूजी के मुंह ते पूछना पसंद करूंगा। अच्छा बेटा। काका, मैं इब्बा आशीर्वाद लेकर आऊं बाबूजी दौरे। चलिए चलिए, कदे सारे पलान पर पानी फिर जा। यो के ना तो ना नहीं जान दूंगा। अरे छोड़ दे, मेरी पैंट निकल जाएगी नीचे, कच्छे भी ना पहन रहा। ना ही मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ना छोड़ू कभी भी ना छोड़ूंगा। मोटी आख्या तेरे राज दिला के खोलगी, मैं बोलिया कर ले बोले मैं वा सॉरी सॉरी बोलगी। पिताजी के बात से के लेना है? जो काका जी ने कही है वह बात ठीक से। के सुनना चाहो तू मेरे मुंह ते? अरे राजा बेटा, के बात, तने तेरे काका की बात पर भरोसा नहीं? भाई साहब की परमिशन के बिना मैं कह सकूं के? काका बात परमिशन की नहीं है, जो बात मैंने तेरे मुंह तो सुनी है ना, वह बात मैं पिताजी के मुंह तो सुनना चाहूं। यो है ना के मन ने तेरे थोड़ा टाइम दिया से। सच में? हाँ। कदे ये भारा मान थी पगड़ी, इज्जत भारी शान थी पगड़ी, कदे ये भारा मान थी पगड़ी, इज्जत भारी शान थी पगड़ी, वर्ष के माड़े बीज देखे हड़बू ना जावे, हरी माटी की पहचान ये कंध के बेटा। बात पते की? बात तकिए की। काली काली आंख आंख में शाही का डोरा, भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, उजली उजली धूप रात में, उजली उजली धूप रात में गाला पे भोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, सोने भर के तेरे छोरा।
रग रग में किस्माई रे, रात की रानी मन के बन में हिरणी। भाई साहब राजा बहुत बढ़िया लड़का है, आप खामे खा फिकर कर रहे हो, आप देखियो कुछ दिन में उ छोरी ना अपने घर ते भी बाहर काट देगा। ताऊ, ओ ताऊ, वो देख राजा। देख लो ही वे अपनी आख्या ते, आपने ते बहुत घना विश्वास था अपने इस राजा पे, इसने ते एक छोरी खातर अपने भगवान जी से बाबू के ठोकर मार दी। अरे चुप रे, भाई साहब ने 4 दिन का टाइम दे रखा उसते, उसते पहले हम उसने कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई साहब चलो, चलो ताऊ जी चलो, चलो 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 ताऊ जी चलो। बाबू ताऊ आ गया। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम। कित जान लाग रहे हो? उस छोरे का टाइम हो लिया, आज 4 दिन हो गए। हाँ हाँ बाबू, उनके 4-5 दिन हो लिए, उनका टाइम पूरा हो गया। अरे भाई साहब जबान के बहुत पक्के हैं, चलो भाई साहब हम भी चलेंगे। दादी माँ, पिताजी। कुछ लोग इतने नक्षत और इतने ढीठोस हैं, उन्हें कितना समझा लो पर उनका पल्ला नहीं पड़ती। और यो उनमत है एक शह, थरे तो मन अनुकू थी ना, ये छोरी ने उनके घर छोड़ो, थमने शर्म नहीं आती? पिताजी आपने तो चाचा जी के हाथ बेरा भेजा था कि मैं जानवी ने इज्जत के साथ इसके घर छोड़ाऊंगा, तो आप इस कर मेरा ब्याह करवा दोगे? झूठ बोलने की भी हद दो है। बेटा मने तेरे ते न्यू कही थी अकि छोरी ने इसके घर छोड़ के अपने घर आ जाओ, है ना भाई साहब? देख दादी देख, यो चाचा मुंह पे झूठ बोलने लग रहा। बेटा तेरे छो का और तेरे एकलेपन का फायदा उठा रहे हैं ये सब लोग, तू इन पहचानता क्यों नहीं? यूके कहन लाग रही है ताई, इकाल के रिंगट की बाता में आके तू मेरे पर शक करन लाग रही है, देख लो भाई साहब। मने बेरा है कुण मेरा है और कुण पराया है। ताऊ जी आपने तो बेरा है, इस घर की इज्जत और सुख शांति खातिर हम दोनों ने केना करया, दिन रात कितनी मेहनत करी है, और इस राजा ने उस इज्जत की 1 मिनट में माटी पलीत कर दी। बल्लू दादी माँ मैं इन सबकी तालों तो थमकता हूँ, ये लोग बहुत बुरे इंसान है। कुछ लोग की आख्या में सूर का बाल होया करे। भाई साहब यो उनमत एक है, चलो भाई साहब
क्यों टाइम खराब करन लाग रहे हो? चलो ताऊ जी चलो, वीर तो तना असलियत पहचान ली होगी। मैं जानती हूँ राजा कि बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन अगर तुम अभी से हिम्मत हार जाओगे तो आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे राजा? जो मैं कहूँगा वो करोगी? तुम्हें छोड़ने के सिवा जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। तो ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और जब घर के सारे हालात ठीक हो जाएंगे ना तो मैं तुझे लेने तेरे घर आ जाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब की बार तुम मेरे घर बारात लेकर ही आओगे। प्रॉमिस। आप सब नबेरा है भाई साहब की गेल्या के बात बनी थी, वह छोरी बरी सभा में भाई साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ागी। अरी हादसे के बाद भाई साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई। और ई भाई साहब मेरे बेटे बल्लू ने गोद लेना चाहे हैं। हैं? मेले लाजा बाबू के ऊपर इतनी बड़ी शादी चाह ले ली है? क्या बात है दमलू, दादी माता चाल तो बताऊं, चाल तमलू। दादी माँ, दादी माँ रुकियो बेबे, आने क्या हो गया? दादी माँ, बाबूजी ने वहाँ पे पंचायत रखी है। हाँ, बाबूजी ने लाजा बाबू तो बेदखल चल दिया। चाला हो जाएगा जब बेदखल कर दिया था, चाल एक बार मैं देखूँ उसने न्यू क्यों कर बेदखल कर देगा। हर भाई साहब हो सवास में अपनी जमीन जायदाद मेरे बेटे बल्लू के नाम करना चाहे से। और शर्म की बात यह है वह छोरी राजा गला शादी तो पहला रिलेशनशिप में रहने लाग रही है। यह बात हमारे समाज और बहन बेटिया पे बहुत घना बुरा असर डाल है। सुनो भाई, प्यार करना को गुना कोन्या। जो समाज की माँ बाप की इज्जत ने उछाड़ कर प्यार करे भाई, वो भी कोई प्यार नहीं होता। भाई साहब ने जो बुल्लू पर जिम्मेवारी सौंपी हुआ एकदम सही है। आज मैंने शर्म आया तेरे तो अपना बेटा कहती है ना, मन्ना नहीं बेरा था जिस टाइम मैंने अपनी छाती का दूध पिया, वो एक दिन अपने बेटे ने आज दिन का सांप बनकर उसे ने डस लेगा।
अरे शर्म कर शर्म, बिना माँ के बेटे के लिया तू इतना बड़ा अन्याय करने लग रहा है। मेरे राजा बेटा की आए तो गलती है, अख उसने वो छोरी तो ब्याह करया जो हमारी बेइज्जती करके गई थी, फिर उसने पाप पकड़ कर माफी भी तो मांगी है। और जो आदमी गलती करके माफी मांग ले उस तो बढ़िया कोई बात तो नहीं होती। और सुन ले छोरे, जै तेरे मेरा राजा बेटा बेदखल करे ना, जै तेरा अपनी अर्थी तक कंडा देने का हक भी छीन लूंगी। वे बेटा, यो मौत का सामान तेरे हाथ में क्यों कर, इतनी माड़ी नहीं सोचा करते मेरे लाल। जै तेरा कुछ हो गया मेरा केरा होगा, सब कुछ तेरे तई तो करन लाग रहा हूँ। बाबू इतना माड़ा मन क्यों कर रहा है, यो मौत का समान है मेरे ताई कोन्या, यो मौत का समान है उस राजा ताई है, राजा ताई। उसकी बाबी मेरी आँखा में बहुत खटक रही है। खटक तो वह मेरे भी रही है, बैरन सही गणी सोत्री रहे। रे बाबू इन बातों ने छोड़ दे, यो जहर है ना, मैं उस राजा की बाबी तो पियाऊंगा। और उसके इल्जाम में वो राजा जेल में जागा, और बच्चा वो बुढ़ा उसने तो हम कद्दे भी मार सका। और उसका भाई नवाब है, उसका के है, वो तो सारे आना विदेश में रह है। और जिस दिन आओगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बात पते की लाख टके की। हाँ डमरू। हाँ बाबूजी। कल तेरे चाचा राजेश्वर ने मेरे दोरवड़ा प्लांट पे भेज। ठीक है बाबूजी। बल्लू भाई ताऊन चाचा प्लांट पे बुलाया, मैंने तो कुछ गड़बड़ लग गया। इब क्यों होगा भाई? अरे तू चिंता मत ना करे, हम नू करो जानवी ने, उसकी बाबी ने और उसकी दादी ने प्लांट पर लेकर चलो। मैं जाऊ हूं उस ताऊ ने देखने। के कहो थे भाई साहब? राजेश्वर यो तू अच्छा नहीं करन लाग रहा सा। अरे तू मेरी पीठ पीछे मन्ने मारन खातर इतनी बड़ी साजिश रचन लाग रहा सा। भाई साहब के कहन लाग रहे हो, मन्ने लागा आपने कोई गलत फहमी हुई है। अरे तू एक बार मेरे तक कह देता दया जमीन जायदाद और इस प्रॉपर्टी में था आधा सत्रे नाम आप पे कर देता, पर इस तरीके से तू मेरे पे प्रॉपर्टी कब्जाना चाहता है? शर्माणी चाहिए तो ना, मेरे बाबू ने तेरा बाबू गल डोन के बाद भी अपने भाई तो बड़का मान्या, मने के कमी छोड़ी थी जो तू आज यह चाल खेलन लाग रहा है। ये बाग ये खेत सब कुछ तो मैंने तेरे दे दिया, तने जो यह चाल खेली है ना यह तने बहुत महंगी पड़ेगी। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप यह बात क्यों कर कहने लग रहे हो? आऊ वाह बेटा वाह, मैंने तेरे तक यही उम्मीद थी। भाई साहब जब घी सीधी आंगली ते नहीं लकड़ता ना तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ जा है। बाबू मेरा नाम बल्लू है बल्लू, और इन सब के खोद दूंगा ही पल्लू। छोरे यो तुम अच्छा नहीं करन लग रहे हो। दे, वो देख मौत का नजारा, चल
राजेश्वर अच्छा नहीं करने लग रहे हो। बात पते की लाख टके की। बाबू जया जान भी मेरी नहीं हुई ना तो इसने मैं उस राजा की भी नहीं होने दूंगा। अरे मुन्ने नहीं बेरा था रे तू मेरी गला इतना बड़ा धोखा करेगा मने तू भाई ते भी बड़का मान्या और तने मेरी पीठ में छुरा घोप दिया छोड़ दे मेरी माने और बड़का ने जा इनके थोड़ी सी भी खरोचागी ना तो तेरी गला अच्छा नहीं होगा। भाई साहब इन सब की जान सिर्फ आप बचा सको ये प्रॉपर्टी के कागज हैं इन पर साइन कर दो हो सके है मैं इनकी जान बख्श दूं। प्रॉपर्टी मेरे जीते जी मेरी जमीन जायदाद पत्रा कोई हक नहीं होगा। अरे मैंने सोची तेनू थी कि तने मैं अपने सर का ताज बनाकर रखूंगा पर तू इतना गद्दार निकड़िया। इन कागजा पर साइन कर दो मैं इन्हें छोड़ दूंगा फिर को बातें नहीं। माँ तू चिंता मत करा है राजेश्वर जो मेरे बड़का का अरे मेरी माँ का कुछ हो गया तो मैं तेरा वो हासिल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। बेटा रस्सी जल जाएगी पर बड़ नहीं जागा। माचिस दे रहे सोचा के है बाबू फूक देन की ओली सी। नहीं राजा बचाओ। देख लो भाई साहब जो तो छोटा सा ट्रेलर है आग लगानी तो इधर बाकी है। छोड़ दे राजेश्वर मेरी माँ ने और मेरे बड़का ने छोड़ दे। इब भी तेरे हाथ में है भाई साहब इन पेपरा पर साइन कर दो मैं इनकी जान बख्श दूंगा। बेटा साइन मत करिए बहुत पहले तो जानू मैं इन्हें साइन मत करिए बहुत पहले तो जानू मैं इन्हें। देखियो राजा भी आ गया मरण मारो साले। इसमें नहीं जाना चाहिए यो मार दो साले ने बल्लू। पिताजी बेटा बल्लू। अरे राजा बेटा तुमने यो की कर दिया बेटा। पिताजी बेटा देखा ये पितरी आंख नहीं खुलेंगी ना तो कद्दे भी नहीं खुलेंगी। मेरे बेटे ने तेरा बेटा बचाता ही अपना खून बहा दिया। ये भीषण दर्जा भाई दौलत के चक्कर में आज यो उसने खो देता और वो इसने खो देता के करे फिर इस दौलत का लालच छोड़ दे भाई। भाई साहब मैं दौलत के नशे में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था आपने मेरी आंख खोल दी। मेरी दौलत तो यह है हर जैस का कुछ हो जाता तो मैं के करता इस तन का आपने इसके ऊपर आती हुई गोली अपने ऊपर ले ली और मेरे बेटे की जान बचा दी।
लेकिन खुद घायल होगे। असली दौलत तो परिवार की एकता और संस्कारों से। मन माफ कर दो भाई साहब, हो सके तो राजेश्वर नुका कर सुबह का लकड़ा और सांस ने करा जाना, उसने खोया नहीं क्या कर भाई साहब। ताऊ, था बेटा ताऊ ने माफ कर दे ताऊ मने।